नमस्कार दोस्तों, हम लोग आए हैं बार्सिलोना में जहाँ पे MWC इवेंट चल रहा है और इस इवेंट में इस साल के मच अवेटेड फोन्स में से एक LG G6 भी प्रदर्शित हुआ है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि LG ने अपने डिज़ाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और ये LG G5 से बिल्कुल अलग लगता है और थोड़ा स्टाइलिश भी। अब LG G6 की सबसे खास बात है कि इसमें दिया है 5.7 इंच का क्वाड HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, जिसके बावजूद ये 5.2 इंच की स्क्रीन साइज वाले फ़ोन जितना ही लगता है। जी हाँ, आप देख लीजिए, मेरे पास OnePlus 3T है और उसके सामने ये फ़ोन काफ़ी छोटा लग रहा है, जबकि OnePlus 3T 5.5 इंच के स्क्रीन साइज वाला फ़ोन है। मतलब सच में LG ने इस बार कुछ तो कमाल किया ही है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही हल्के बेजल्स दिए हैं और इसका डिज़ाइन इस बार ग्लास और मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। उसके बावजूद भी ये काफ़ी स्टर्डी और सॉलिड लग रहा है और हाथ में पकड़ने पर भी इसमें एक अच्छी सी फील आ रही है। इसके अलावा इस फ़ोन में ग्लास बैक पैनल की वजह से ये काफ़ी फिंगरप्रिंट्स को भी अट्रैक्ट करता है। इसके बैक में ही देखेंगे तो इसमें 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और वही इसका होम बटन भी है। इसके बाकी पोर्ट्स देखेंगे तो वो एक रेगुलर एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही है, हालांकि नीचे की तरफ इसमें टाइप सी USB पोर्ट मिलेगा। LG G6 की एक खास बात और है कि इस बार ये IP68 सर्टिफाइड है, यानी वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। इसके डिस्प्ले की तरफ एक बार फिर से रुक करें तो आपको बता दूं कि इसमें LG ने 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया है, जिसकी वजह से आप इसमें डुअल विंडोज़ को परफेक्ट स्क्वायर शेप में खोल पाएंगे, क्योंकि 18:9 का मतलब होता है 2:1, तो जो साइड्स होंगी वो यानी हॉरिजॉन्टली 1 और वर्टिकली 2, और इसी वजह से जो भी विंडोज़ आप खोलेंगे वो डिस्टॉर्टेड नहीं होंगी। इसके कैमरा की बात की जाए तो हमने आपको बताया है कि इसमें 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया है, जिसमें से एक रेगुलर लेंस है और दूसरा वाइड एंगल लेंस है, और ठीक ऐसे ही आपने LG G5 में भी देखा था। और आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ एक बटन दबाने से ही फ्रेम वाइड हो जा रहा है। यही नहीं, ये वाइड वाला फीचर आप इसके फ्रंट कैमरा में भी यूज़ कर पाएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर, जो कि शायद आपको डिसअपॉइंट करे, क्योंकि हम सभी इसमें स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें 4GB की रैम दी है और वो भी आपको निराश करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम 6GB की रैम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टोरेज के मामले में इसमें आपको 32GB और 64GB वाले स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे, पर अच्छी बात यह है कि आप इनको एक्सपैंड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉइड नोगा विथ गूगल असिस्टेंट, और इसमें LG का नया UX भी दिया है, जो कि कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है। अब फोन में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स तो हैं, लेकिन फोन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा ये देखने वाली बात होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।